छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में नगर निगम चिरमिरी के 78 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने एक व्यक्ति पर संचालनालय का अधिकारी बनकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। व्यक्ति का नाम मंजीत सिंह है, जो कि कोरिया जिले में ही जिला खाद्य सतर्कता समिति सदस्य के पद में नियुक्त है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने मामले की शिकायत कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत से की है। इसके साथ ही शिकायत की कॉपी उन्होंने कलेक्टर, एसडीएम, क्षेत्र विधायक तथा थाना प्रभारी को दी है। ये मैं गेला पानी की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, वार्ड नंबर 9 की। शुक्रवार के दिन मंजीत सिंह नामक व्यक्ति मेरे आंगनबाड़ी में आए और आते ही उन्होंने मेरे से जानकारी मांगा, रजिस्टर मांगा, सारी चीज़ों की जानकारी मांगी। तो मैंने बस उनसे इतना ही पूछा कि सर आपको क्या आदेश है, आप उनको दिखा दीजिए, फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो मेरे पर भड़क गए और मेरे से एकदम बहुत ही तेज आवाज़ में बोलने लगे कि तुम कौन होती हो मेरे से आदेश मांगने वाली, तुम होती कौन हो, तुम अपने डीपीओ को फ़ोन लगाओ और सीडीपीओ को फ़ोन लगाओ और पूछो कि मंजीत सिंह कौन है और क्यों यहाँ पे जांच में आया है। और इस तरह से उन्होंने मेरे से मेरा नियुक्ति आदेश मांगा और उन्होंने ये बोला कि मुझे जितनी पावर मिली है अगर मैं उसका सही इस्तेमाल करूं तो तुम्हारी सेवा समाप्त हो सकती है, क्योंकि तुम तो कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हो, इसलिए जैसा मैं बोलता हूं वैसा तुम करो। इस तरह से उन्होंने मेरे को धमकी दी और बहुत ही गलत तरीके से मेरे से व्यवहार किया। तो क्या इस मामले को लेकर के आपने अपने बड़े अधिकारियों को या कहीं कुछ पत्र वगैरह लिखित में सूचना दे रहे हैं? और हमने सूचना में ये भी बोला कि अगर इनका इस तरह का अत्याचार बंद नहीं हुआ तो हम सभी कार्यकर्ता सहायिका धरना में बैठ जाएंगे, आंगनबाड़ी बंद कर देंगे। अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि बार बार मंजीत सिंह नामक एक व्यक्ति हर एक दो दिन के बीच में आंगनबाड़ी में आकर हमसे हमारे नियुक्ति का आदेश मांगते हैं, हमारी फाइलें मांगते हैं, पंजियाँ मांगते हैं, खाद्यान्न कहाँ रखे हो मांगते हैं। और अगर हम लोग आदेश पूछते हैं कि आप कौन से आदेश से आए हैं यहाँ पर बताइए दिखाइए, तो बोलते हैं तुम कौन होते हो आदेश पूछने वाले, ज़्यादा करोगे तो सीधा नौकरी से ही निकलवा दूंगा। ये मंजीत सिंह कौन है? ये अपने आप को संचालनालय द्वारा नियुक्त एक अधिकारी बताते हैं और कहते हैं कि हमें अगर मेरे पास इतना पावर है कि मैं सीधा तुम्हारी नौकरी खा सकता हूँ। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ और अभी हमारी सरकार है, हम जो चाहे वो हो सकता है। तो उसमें आपका क्या उनको कहना हुआ? हम लोगों ने कहा कि हमारा कार्य देखिए, बच्चों से बात करिए, सब कुछ करिए। तो हमारे गैर मौजूदगी में वो वार्ड में आकर बच्चों को, यहाँ तक कि हमारे हितग्राहियों को हमारे खिलाफ़ भड़का रहे हैं, झूठी झूठी अनर्गल बातें बताकर वीडियो बना रहे हैं और सबको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कोई काम कर ही नहीं रही है। हमेशा यही बोलते हैं अगर हमारी बात पर नहीं चलोगे तो तुम्हारी नौकरी हाथ से जाएगी। वहीं इस मामले में मंजीत सिंह के ऊपर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मंजीत सिंह द्वारा क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के बहाने दो दो घंटे तक आंगनबाड़ी केंद्र में ही बैठे रहते थे। इसके साथ ही मंजीत सिंह के द्वारा केंद्रों में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिकॉर्ड दिखाने को कहा जाता है। वहीं कार्यकर्ता के द्वारा मंजीत सिंह का परिचय पूछे जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी खा जाने की धमकी भी देने की बात कही जा रही है। इस दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं परियोजना अधिकारी के कार्यालय पहुंची। वहीं मीडिया कर्मी से बात करते हुए उन्होंने मंजीत सिंह पर ढेरों आरोप लगाए हैं। मैं वर्तमान में जिला खाद्य सतर्कता समिति सदस्य हूं, पूरे जिले का, जिला कोरिया का। और उस हैसियत से मैं जहां जहां खाद्य का वितरण होता है वहां वहां मुझे जाँच करने का अधिकार है और मैं खाद्य से संबंधित जानकारी जाकर जहाँ जहाँ खाद्य वितरण होता है वहाँ से लेता हूँ। इन महिलाओं का आरोप है कि आप जाकर के उनका रजिस्टर जैसे जांच करते हैं, फिर इसके बावजूद उनको नौकरी से हटाने की धमकी देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, कितना सत्य है क्या है? जी नहीं, मैं क्योंकि मैं यहाँ स्वयं चिरमिरी का रहने वाला हूँ और मैं इसलिए अभी त्यौहार का समय है तो मैं बाहर विजिट नहीं कर रहा हूं और अपने आसपास जाकर देखता हूं। जब रजिस्टर में बच्चों की संख्या मुझे ज़्यादा मिलती है और उस हिसाब से वहां पर बच्चे नहीं दिखते हैं तो मैं उनको समझाइश दे के छोड़ देता हूं कि आगे से आप अपने रजिस्टर को मेंटेन कीजिए और आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपने अधिकारी को बताइए। और आपको फूड से संबंधित कोई दिक्कत होती है, खाद्य मिलने में कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बताइए।
इन समूहों में एक महिला का कथन है कि आप मतलब छोटे छोटे बच्चों को जाकर के बहला फुसला करके बुलवाते हैं कि अंडा मिलता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं, कैसा है? ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे अभी स्वयं ही पूरी जानकारी नहीं है कि क्या क्या इनको मिलना चाहिए क्या क्या नहीं। और उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पर अपने परियोजना अधिकारी जी से मिलने आया हूँ और इनसे मैंने फ़ोन पर भी चर्चा की थी कि मैं मेरे को आप एक लिस्ट दीजिए कि यहाँ पर कितनी आंगनबाड़ी हैं और उनको क्या क्या प्रदाय किया जाता है हफ्ते में किस किस दिन। तो आज मेरी बात हुई उनसे फ़ोन से, तो बोली मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप आ सकते हैं। तो मैं उसी सिलसिले में आज कार्यालय में आया हूँ। करीबन कितने माह से आप पद में नियुक्त हुए हैं? ये मेरे को करीब 2 माह हो गया। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के समूह के द्वारा एक पत्र मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसमें इन्होंने मंजीत सिंह जी की शिकायत की है कि इनके द्वारा जो है अभद्र व्यवहार और अनुचित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है ऐसा करके। लेकिन मंजीत सिंह जी जिला सतर्कता समिति के सदस्य हैं और उनसे चर्चा हुई थी, तो आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण करने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार से क्या वहाँ भोजन मिलता है, क्या हर जनप्रतिनिधि को अधिकार है देखने का। उनके लिए अभद्र भाषा का उपयोग करने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है मुझे और इसमें कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई जवाब देने की स्थिति में। अभी महिलाओं द्वारा संपर्क किया गया तो उनका कथन है कि मतलब कि ये नियुक्ति पत्र हर महिलाओं से मांगा जा रहा है उनके द्वारा, क्या सत्य है? उनके द्वारा कहा जा रहा है, अभी अभी तो मुझे जानकारी मिली है कि इस तरह की बात की जा रही है, बिना इनसे जांच पड़ताल किए प्रश्न किए जवाब देना मुश्किल।